एक और बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त बताते चलें कि इसराइल का दक्षिण लेबनान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्ला के 1300 से ज्यादा ठिकानों पर इसराइल का ताबड़तोड़ हमला। इस हमले में 492 लोगों की मौत। इसराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि इसराइल की लेबनान पर भीषण एयर स्ट्राइक ये मानी जा सकती है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर 1300 से ज्यादा हमले किए गए हैं। महिलाओं बच्चों समेत जो फिगर निकल कर आ रहा है वो 492 लोगों की मौत का है। यह भी बताया जा रहा है कि 1692 लोग अभी तक घायल हुए हैं। दक्षिण लेबनान में भारी तबाही मची है। धमाकों के साथ कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं। और इन सब को देखते हुए इसराइल में अब 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल ने विध्वंसक जंग एक तरह से छेड़ दी है। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने 1600 लगभग 1300 से 1600 का वो फिगर आ रहा है जहां पर ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं धुआं कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्ला के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इसराइल का सबसे बड़ा हमला है, यानी 34 साल के बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी। और इसी के मद्देनजर ही अब इसराइल में आप मान सकते हैं कि 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया। हमले में 492 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 34 साल के बाद दक्षिण लेबनान में इस तरह का इसराइल का यह बड़ा हमला माना जा रहा है। लेबनान पर मिसाइल अटैक के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया और दावा यह किया कि उनकी जंग लेबनान के लोगों के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्ला के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बड़ा स्टेटमेंट आप नेतन्याहू का देख सकते हैं। हिजबुल्ला से अपनी दुश्मनी को शिकार एक तरह से बनाया जा रहा है। वहां की आम जनता को, हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों को ध्वंस किया गया है। इसराइल की तरफ से 1200 वो फिगर निकल कर आ रहा है। जो इमारतें तहस नहस की गई हैं, इसमें 492 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो बड़ा स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से आया है लेबनान पे अटैक की कि दुश्मनी हिजबुल्ला से है, लेकिन हिजबुल्ला है कि वहां की आम जनता को ढाल बनाकर वो उसके पीछे छिपा हुआ है, इसलिए अटैक किया गया है। फिलहाल 30 सितंबर तक इमरजेंसी इसराइल में घोषित की गई है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि लेबनान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू किया जा सकता है। उत्तरी इजराइल में इस वक्त इजराइल की सेना की तादाद बढ़ा दी गई है क्योंकि हिजबुल्ला की तरफ से एक बहुत बड़े हमले का डर अभी भी बना हुआ है। और इससे भी बड़ा डर ये कि हाइफा पर अटैक के बाद इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इसराइल पर हिजबुल्ला की फादी मिसाइल गिरी और इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू रात भर जागे और फिर सुबह उठते ही लेबनान में शुरू हुआ ऑपरेशन खल्लास। इन धमाकों को देखिए, नसरल्ला की भी रूह कांप जाएगी। मैसेज गजा के बाद लेबनान को दिया जा रहा है और इन धमाकों पर नेतन्याहू ने जैसे लिख दिया है कि सावधान ईरान,
नेतन्याहू लेबनान पर बमबारी के साथ तेहरान को मैसेज दे रहे हैं। दक्षिण लेबनान में हुए इसराइल के हमलों में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इसराइल के इन धमाकों में 274 लोगों की जान चली गई है। इसराइल ने इतने बम गिराए हैं कि लाशें उठाना मुश्किल हो गया। अब इसराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्यों इसराइल ने लेबनान में ऐसे लाशें बिछा दी जैसे वो गजा में पिछले 12 महीने से कर रहा है? इसराइल क्यों लेबनान को गजा जैसा बनाना चाहता है? तो जवाब है कि हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के नाक में दम कर दिया है। इसराइल और लेबनान का बॉर्डर एक्टिव है और हिजबुल्ला से लड़ाई का सबसे खतरनाक दिन रहा 22 अक्टूबर, जब हिजबुल्ला ने बड़ा रॉकेट अटैक कर दिया।